कराची में एक ऐसी जगह जहां पर सैकड़ों की तादाद में परिंदे। बोल रहा है, ये बातें कर रहा है। इनके फीडिंग पॉड, इनका हर तरह की इंतजाम इनके लिए यहाँ पे किया गया है। और मैं नहीं बता सकता कि माशाल्लाह बिल्कुल सुकून आ रहा है इस जगह पे आके। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अमेज़न के एक जंगल में, बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा। ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये जगह कहाँ है हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और जानेंगे उन परिंदों के बारे में जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखेंगे। सैकड़ों किस्म के परिंदे यहाँ पे मौजूद है, हजारों किस्म के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक आर्टिफिशियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो आइए अंदर चल के विजिट करते हैं। कराची में एक ऐसी जगह जहां पर सैकड़ों की तादाद में परिंदे और कई नस्लों के परिंदे एक ही जगह पे और आर्टिफिशियल अमेज़न फॉरेस्ट कराची के अंदर मौजूद है। आज हम आपको घुमाएंगे एक ऐसी जगह जो सिर्फ आपने वीडियोस में देखी होंगी या फिर आप समझ रहे होंगे कि कोई ये इंटरनेशनल तर्ज पे कोई एक इंटरनेशनल जगह है जो हमारे पाकिस्तान से बाहर है, ऐसा नहीं है। ये बैरियर टाउन का चिरपी पार्क है और ये एक बर्ड्स के लिए एक आर्टिफिशियल यहाँ पे अमेज़न का लुक दिया गया है और ऐसी जगह आपने कभी भी नहीं देखी होगी, ये हमारी गारंटी। तो आए हम आपको मिलवाते हैं इन परिंदों से। चिरपी का मतलब होता है परिंदों की जो आवाज़ें होती हैं, जो चहचहाहट होती है, उसको चिरपी कहा जाता है। और यकीन माने इस पार्क के अंदर हम जब से आए तो ये आवाज़ें रुकने का नाम ही ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में परिंदे हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे परिंदे ही परिंदे और बारिश का एक साउंड है जो कि आर्टिफिशियल रेन फॉरेस्ट के अंदर होता है। मेरे पीछे भी तोते हैं, मेरे ऊपर भी तोते हैं, मेरे राइट पे भी पैरेट्स हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पीछे एक मकाओ बर्ड है जो कि इस पूरी अवेरी में जो सबसे बड़ा बर्ड है वो है मकाओ पैरेट। इतने इंटेलिजेंट ये पैरेट होते हैं, ब्राज़ील से इनका ताल्लुक होता है, ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करते हैं और इनके लिए यहाँ पे कुछ स्टैंड वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि ये जब फ्लाई करके आते हैं तो उनको रेस्ट के लिए जगह मिल जाए। और लाइन से परिंदे बैठे हुए हैं, लाइन से जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है बर्ड्स ही बर्ड्स हैं बैठे हुए हैं। ग्रे पैरेट यहाँ पे मौजूद है, अफ्रीकन ग्रे, कॉन्गो अफ्रीका से इसका ताल्लुक है। ये वो परिंदा है जो 300 वर्ड की भी वोकेबलरी याद कर लेता है, पूरे पूरे अल्फाज कॉपी करने आता है। इस वक्त भी कोई साउंड क्रिएट कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा विस्लिंग कर रहा है, सीटी मार रहा है। बोल रहा है, ये बातें कर रहा है, सीटी मार रहा है। बहुत ही प्यारे यहाँ पे बर्ड्स हैं। अगेन यहाँ पे मकाओ के बहुत सारे जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। बाकी कुछ ऊपर भी फ्लाई कर रहे हैं, वो भी हमारे कैमरामैन आपको कवर करके दिखाएंगे कुछ शॉट्स में। लॉरी पैरेट्स यहाँ पे मौजूद है। लॉरी कीट्स वो पैरेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा चुलबुले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती और ये पैरेट होते हैं। अब ये देखें आप, अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतने फ्रेंडली बर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये खुद आके हमारे कंधे पे बैठ गया है। और ये लॉरी पैरेट्स जो होते हैं इनके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि जो फूलों के अंदर जो नेक्टर्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये उनको खाते हैं, उनको निकालना जानते हैं। नेचर के अंदर ये काम जो है वो शहद की मक्खी करती है, लेकिन परिंदों में ये काम लॉरी पैरेट्स कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा शरारती ये बर्ड है। अच्छा जी, इसको आना ही नहीं है मेरे कंधे से नीचे। चले जी, आ जाए। यहाँ पे जिस तरह के पौधे लगाए गए हैं, सारी चीज़ें लगाई गई, तो उनको एक नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करी दी गई है। अब वो देखें, जैसे एक पीकॉक बैठा हुआ है पौधों के बीच में, तो ये इनका एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि इनको कहीं से ला के कैद किया गया या कुछ भी नहीं। ये बर्ड्स यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। इनके फीडिंग पॉड, इनका हर तरह की इंतज़ाम इनके लिए यहाँ पे किया गया है। और मैं नहीं बता सकता कि माशाल्लाह बिल्कुल एक सुकून आ रहा है इस जगह पे आके। पर्सनली मैं रिकमेंड भी करूँगा, इस जगह को एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा।
हमारे पहाड़ी पैरट हैं जो कि पाकिस्तान के लोकल पैरट होते हैं। अब हम चल रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे परिंदे हैं, कोई बीच में ना आ जाए। तो मैंने अभी देखा ये बिल्कुल हमारे रास्ते में आके जो नीचे दाना वगैरह गिरा हुआ उसको चुन रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग बर्ड होते हैं। पहाड़ी पैरट जो है उनको अलेक्जेंड्रीन पैरट इनका रियल नेम है, और इनके जो बाजू होते हैं उसके ऊपर एक रेड कलर का निशान होता है। बहुत ही टॉकिंग बर्ड होते हैं क्योंकि इस वक्त नीचे से चुन चुन के ये चीज़ें जो है वो खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और पैरट नजर आया, वो ऊपर बैठा हुआ है ट्री पे, उसके पास चलते हैं। ये बिल्कुल मेरे ऊपर नजर आया होगा आप लोगों को। तो ये पैरट है हमारा काकाटू पैरट, और इसे कहा जाता है थीफ पैरट यानी चोर परिंदा। ये वो परिंदा है जो दूसरों के घोंसले से चीजें चुराना जानता है, दूसरों का खाना चुराना जानता है, इतना इंटेलिजेंट है। अब ये देखें, ये हमें देख कर जो है ये रिएक्ट कर रहा है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से हमें देख रहा है गौर से। बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होता है, इमोशनली अटैच हो जाता है। आओ 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 आओ, ये देखें इसका जरा क्रिस देखें कितना प्यारा ऑरेंज कलर का। आओ, ओह माय गॉड, बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्यारा बर्ड है ये। ये देखें आप, ये देखें जरा इसका आप क्रिस देखें कितना प्यारा है। ये है मोलकन काकाटू, इसे मोलकन काकाटू कहा जाता है। ये काकाटू की ब्रीड में से एक है, बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि पजल्स तक को भी सॉल्व करना जानते हैं, अगर इनकी आप वीडियोस देखें। और ये महंगे तरीन पैरट में से एक है। यहाँ पे जितने भी पैरट्स लाए गए दुनिया भर के अंदर से कमोबेश 500 से ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे पैरट्स हैं, और 100 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे, जिसके अंदर छोटी चिड़ियाओं से लेकर बड़े तोते तक शामिल हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक बारिश का साउंड भी हमें फील हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड भी बनाया गया है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल रेनिंग टाइप का माहौल दिया गया है। यहाँ पर जो है ना हर तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं, फूल पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये बर्ड्स को हर तरह का वो पौधा जो इनके नेचर के अंदर होता है वो यहाँ पे गया। और अगेन हमारे रास्ते में जो हमें पीकॉक्स नजर आ रहे हैं, मोर, और इसकी जो खूबसूरती है उसकी तो दुनिया तारीफ करती है। और यहाँ पे हर तरह के पीकॉक्स हैं, डिफरेंट कलर्स में भी है। वाइट पीकॉक हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके साथ ये ब्लू पीकॉक्स जिसको ब्लू शोल्डर पीकॉक भी कहा जाता है, जो हमारे थर में पाए जाते हैं, वो यहाँ पर हैं। और कुछ दरख्तों पर भी बैठे हुए हैं ऊपर की साइड पर, अगर वो देखें तो वो दो कलर का पीकॉक है, उसे वाइट पीकॉक कहा जाता है, वो वाइट एंड ब्लू शेड में। उसके अलावा कुछ पीकॉक जो है वो नीचे घूम रहे हैं। इस पार्क के अंदर मैंने एक चीज़ नोट करी है कि परिंदों ने जो है ना वो अपने कुछ एरियाज बना लिए, जैसे जंगलों में ये करते हैं कि कुछ दरख्तों पर कुछ मखसूस किस्म के हमें परिंदे नज़र आ रहे होते हैं। तो स्पेशली ये जो गार्डन है, ये वाला जो लॉन है इस साइड पे, मुझे सिर्फ पिकॉक्स ही नज़र आ रहे हैं। तो शायद यहाँ पे पिकॉक्स ने अपना हैबिटेट बना लिया है, और ये ऑलमोस्ट इस जगह पे हर तरफ हमें मोर ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इन परिंदों के ज़ाहिर हैबिटेट तो बना दिया गया है, तो इनके अंडे देने के लिए भी कुछ जगहें बनाई गई। तो यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाए गए, और मेरी अभी अचानक से नज़र पड़ी है ऊपर, यहाँ पे जो ब्रीडिंग बॉक्स है ना, ये ब्राउन वाला, इसके अंदर एक वाइट रिंगनेक बैठा हुआ है। यकीनन इसने ब्रीड की भी होगी, अंडे दिए होंगे या बच्चे दिए होंगे। वो देखें, अभी इसने सर निकाल के हमें देखा कि ऊपर बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पे कई सारे बॉक्स लगे हुए हैं, और जो मकाउज हैं उनके लिए बड़े बॉक्स भी लगे हुए हैं, और डिफरेंट छोटे जो बॉक्सेज हैं वो छोटे बर्ड्स के लिए। एक ये पैरट भी बैठा हुआ है यहाँ पे, ये रेनबो लोरी है, और इसके कलर से हमें अंदाज़ा हो रहा होगा इसको रेनबो लोरी क्यों कहा जाता है। मल्टीपल कलर्स में ये होता है, और ये कितना खूबसूरत बर्ड है आप ये देखें, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, वायलेट कलर, ये सारे कलर्स का एक कॉम्बिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हम शायद इस पूरी वीडियो के अंदर यहाँ के सारे परिंदे कवर भी नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं। यकीन माने कि हम यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, एक तो हम यहाँ के सारे जो बर्ड्स हैं उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, यहाँ पे इतने सारे परिंदे हैं, और कभी कोई दरख्त पे नज़र आ रहा है, कभी कोई, हर बार हम एक नई चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ज़िंदगी की इस दौड़ के अंदर हम पैसे कमाने के पीछे और अपनी सोशल लाइफ के पीछे हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि इस नेचर से हम बहुत दूर हो गए। तो ये जगह नेचर को कनेक्ट करने के लिए एक की पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे इतना सुकून मिल रहा है इन परिंदों की आवाज़ से, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है, दुनिया से बिल्कुल दूर।
आप इस जगह पे यहाँ पे बैठ के बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ, नए जानवर के साथ, एक नई जगह पे हम आपको ज़रूर मिलेंगे। बनाना प्राइम की टीम से जिमी जुनैद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।